हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। क्यों खड़ा रह रही है ऐसे? अभी जा रहा हूँ अपना काम पे। कहाँ पे? कोचिंग। दिल्ली का? यस। तो ये अरे तो अच्छा गिराएगा क्या? तो तुम तो जाने दो फिर रास्ते बीच में। अच्छा पूरा यहाँ पे खड़ी हो जाओ ना, कहाँ जाना? इधर खड़े थे तो मैं अभी मैं कर रही हूँ काम, तुम अब जाओ अपना काम, ठीक है? और मैं अभी कर रही हूँ काम मेरा, और तो सब टोटल सब काम हो गया, खाली अभी बर्तन बचा हुआ है, बर्तन करेंगे। और आज मौसम लेकिन बाहर का बहुत अच्छा है, किसी का घूमने का मन हो तो जा सकते हो। आसाम में बहुत अच्छा मौसम है। और इधर में टीवी का जो हल्ला मचा के रखा हुआ है पूरा भयंकर तरीका से, इसीलिए मैं आवाज़ नहीं आने दे रही हूँ टीवी का। तो आप आज देखिए, आज मौसम बहुत अच्छा है। अरे बापरे, इसमें किस घूमने का मन हो तो अच्छा से जा सकते हैं, कहाँ भी पहाड़ वगैरह कहीं पे भी जा सकते हैं। देखते हैं अगर कहीं, अगर शर्मा जी को टाइम होगा तो कहीं इधर उधर जाएंगे, देखते हैं। और अभी कर लेती हूँ, मेरा काम थोड़ा सा बचा हुआ है, किचन का काम देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी सबका नाश्ता पानी हुआ है और अभी कर रही हूँ काम। और चला के रखे हुए टीवी, इतना ज़ोर ज़ोर से टीवी देखते हैं। वाह ठीक है। तो अभी शाम के बज गए हैं 3 और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे हाथ में आज बहुत ज़्यादा पेन है। ये देखिए, ये मेरे पूरा इतना दर्द आ गया है हाथ में पूरा, क्योंकि इसमें अभी बाम लगा के इसमें और कपड़ा बांध के तब लेटी हुई थी। और अभी जितना अभी दीपावली का साफ सफाई आ रहा और मेरे हाथ में हो रहा है पेन, देखते हैं कैसे होगा। और कल परसों तो टेबलेट भी खाया था, वो तो एक दिन ही आराम आता है, बाकी दिन नहीं आता। इसमें क्यों हो गया पता नहीं, पूरा हाथ में दर्द है अभी। और अभी आज तो बाल भी नहीं बनाए, बार बार मैं ऐसे करूँ तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी चाय भी है ना, अभी पी रही हूँ चाय, और चाय तो आज शर्मा जी बना के दिए हैं जी। हाँ? चाय तो आप बना के दी, थैंक यू। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम में काम दे देते हैं। तो चाय पी के फिर देखते हैं आज तो शाम को क्या बनाएंगे, वही समझ में नहीं आ रहा, हाथ को देख के तो चावल ही बना देंगे। ठीक है, अभी पीती हूँ चाय, देखिए ऐसे भी करती हूँ तो आप पूरा हाथ में पीना। तो गाइस अभी शाम के 6:30 और मम्मी ने धुआं किया तो इतना धुआं धुआं कर दिया घर पे, क्या बोले, पूरा धुआं ही धुआं। ये देखिए इतना धुआं कौन करता है, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी जैसे हल्का हल्का दिख रहा होगा ना, मतलब पूरा धुआं धुआं होकर रखा होगा। अच्छा धुआं धुआं हो गया रखा पूरा घर, आग जल रही मेरी, पूरा घर में इसको दिखाना चाहिए है, दिखा दो। जितनी भी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर चली जाएगी। हाँ अच्छा, सबसे पहले तू बाहर जा, बढ़िया रहेगा। अच्छा घर के बाहर भी करोगे? ये लाइट निकाल के वहां लगा दिया था ना, अभी एक लाइट कम थी वहां पे। लो हो गया धुना, रख दो। ये कितना देर चलेगा? और अभी 5 मिनट और चलेगा ये। हाँ तब तक ये नहीं होगा, तब तक तो जलते रहेगा, तब तक धुआं धुआं। एक तो वो भी जल रहा है साथ में, ये तो इधर का हो गया अभी। मैंने पाठ भी नहीं किया उससे पहले, दीपक में घी कम थी डाला आज। वाह पाठ कर लो फटाके घी डाल के। तो अब हो गया है शाम और सबको लग गया भूख। ये देखिए तो अभी लाए हैं ब्रेड, अभी खा रहे हैं ब्रेड और सब दोनों का हो रहा है। तू लगा, तू लगा हैं, है मारूंगी ना, तू लगा, तू लगा होके रखा हुआ है दोनों को, चारों को ही, चारों मैं नहीं, तीनों को।
चार हो गया। नहीं 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 तीनों को, चारों को लगा ना, दोनों से बैठा फिर। हाँ लड़ेगा बाल। और क्यों उल्टा पुल्टी बदमाशी करते हो तुम लोग, लगाओ ना अच्छा से। फैन किसने बंद किया? फैन तुम लोग को याद ही नहीं है? अच्छा आलू क्यों लेके आए भाई, मेरा आलू समझ में नहीं आया यहाँ पे। मंगाया कौन? तो मंगवाया तो ये यही रखेगा क्या? ब्रेड के साथ खा लो है ना। एक एक आलू का स्लाइस। तो आज खा रहे हैं ब्रेड और आलू, कच्चा आलू है ना। खा तो नहीं रहे, रख लो। अभी खाएंगे, अंशु खाएगा भी, ये देखिए निकाला है। खाओ भाई खाओ, तू भी दे ले इसके बीच में है ना। नहीं इसमें मत, मेरा बना के खा रहा हूँ। बहुत बड़ा काम कर रहा है अपने आप, ये लगा रहा है ना जेम लगा रहा ब्रेड में, तो इसके लिए बहुत बड़ा बात हो गया। क्यों भाई पागल थोड़े, अंशु तो लगा लेता है, लेकिन तू लगा लिया था, कौन सा बड़ा बात हुआ। बड़ा काम कर दे तो ठीक है, खाओ मैं भी खा लेती हूँ। ये देखिए अंशु क्या कर रहा है अभी, कितना ब्रेड लगाया, 1 2 3 4 चार ब्रेड एक साथ मुंह में आ रहा तेरा। ये देख क्यों तू पागल की तरह खा रहा है भाई, और उसमें सॉस लगा रहा साइड साइड। अरे सॉस में सोड और बीच में जेम। टेस्ट बेकार, सांस आ नहीं रहा मुंह में इसको, बेकार टेस्ट पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है ऐसे? हमको तो कभी अच्छा नहीं लगता सॉस के साथ जेम। तेरे को जेम नहीं लगा? अच्छा वो जेम अच्छा लगता है, सॉस अच्छा नहीं लगता ब्रेड के साथ। कोई बात नहीं, जिसको लगता है वो खाओ ना भाई। तो बन चुका तो ना, तो अभी 9 बज गया और मैंने खाना बना दिया है, और बच्चे कर रहे हैं अभी खाने का इंतजार, और कैसे सीट मिला के बैठा हुआ देखिए। अरे पहले हम लोग स्कूल में थे ना, तो ऐसे सोचते थे एक दूसरा की सीट लगाएगा तो दूर चढ़ जाएगी झूठ मूठ का है। अभी तुम लोगों को नहीं है, पहले ऐसे होता था, जैसे स्कूल में जाते थे ना तो ऐसे होता था, अरे एक दूसरा सीट मिला के बैठा हुआ जू लग जाएगी। तो भूख लगा कि नहीं? बैंकर भूख लगा हुआ है। और आज मेरे हाथ में कितना पेन है पता है तुम लोग को? पापा बाम लगा के और को है सूझ रहे हो ना। तो मैं ये पूछ रही बोले सूझा हो मैं कहाँ से। तो भाई मतलब बहुत ज्यादा ही पेन है, क्यों हो गया पता नहीं, एक हाथ में भयंकर है, लेकिन ठीक है इस हाथ से मोबाइल उठाती हूँ, और इससे हर ज्यादा काम तो इस हाथ से होता है, तो इससे थोड़ा कम होता है, फिर भी थोड़ा सा होता है। तो आओ मैं खाना लगा देती हूँ, और सोच रही थी कहीं बाहर जाने के लिए लेकिन नहीं जा सकी हाथ की दर्द की वजह से। और अभी आज मैंने खाना में चावल ही बनाया, क्योंकि रोटी तो एकदम नहीं सक रही थी बनाने के लिए, आटा भी लगता। तो अभी अभी बनाया है राजमा और चावल, तो राजमा चावल ये लोग का पसंद है, वही बना दिया है अभी। तो आप डेली ब्लॉग देखा करो, कभी कब बाहर नहीं जाती हूँ तो घर का ही बनाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो भाई बाहर का बनता है, क्योंकि डेली तो बाहर भी जाना नहीं होता है ना, घर पे भी देखिए काम रहता है कि नहीं। अब किसी को दिन भर बाहर जाने का काम होता है वो बात एक अलग है, और हम तो घर पे ही रहते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं, कोई काम हो गया फिर चली ब्लॉग के लिए चला गया कहीं पे कुछ दिखाने के लिए, बाकी तो घर का ही चलते रहता है। और कोशिश करूँगी बाहर का भी अच्छा अच्छा कुछ दिखाऊँगी, लेकिन अभी तो दीपावली तक तो अभी बाहर जाने थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि दीपावली के साफ सफाई भी चलेगा अभी। अभी फिर फास्टिंग भी आ रहा है, अभी करवा चौथ का व्रत भी आ रहा है, परसों का व्रत है, और उसके बाद फिर वही अष्टमी आता है, हम लोग का सप्ताह का होता है वो वही अष्टमी, और उसके बाद फिर ये दीपावली का ही चलता है तैयारी वगैरह सब। फिर धनतेरस से तो खा वो कुछ कुछ बनाने के लिए ही मतलब लग जाते हैं भाई, क्या क्या बनाना है क्या, तो उसी दिन से स्टार्ट में कर देती हूँ धनतेरस से ही बनाना मतलब पेठा सुवाली बना लिया या कुछ भी नमकीन वगैरह जो बनाता है वो धनतेरस से स्टार्ट कर देते हैं। तो 2-3 दिन तो यही चलता है, लेकिन ये पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, बहुत मतलब खुशी होता है। अभी ये एकादशी का महीना, इसमें तो मतलब चलते ही रहता है कभी कुछ। दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ, अभी ये स्टार्ट हो गया, और क्या लगेगी मेहंदी वगैरह सब। आओ भाई खाना हो गया अभी रेडी, बस अभी बना दिया था, अभी हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चावल भी बन के रेडी हो गया, तीनों को लगा देती हूँ।
और रात में, क्योंकि वैसे तो हम चावल ना दोपहर में ही बनाते, दोपहर में ही ज़्यादा ये रहता है, लेकिन कभी कभी जैसे रात में बना दिया है, दोपहर में नहीं बनाया तो रात में बना देते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छे तो एकदम नहीं पकड़ा जा रहा, और अभी मैं लगा देती हूँ खाना। अभी तुम आओ बेटा, अभी आ जाओ, बस लगा दिया, ये नहीं टाइम लगेगा। तो खाना में कितना टाइम लगता है, और साथ के साथ पापड़ भी सेक दूँगी, क्योंकि इसके साथ अच्छा लगता है पापड़ भी। अभी शर्मा जी आए नहीं हैं अभी तक, आने वाला थे, तेरे पापा बोला हम 20 मिनट में आ जाएंगे, और अभी तक नहीं आए। कम से कम हो गया होगा 1.5 घंटा हो गया होगा 20 मिनट को, और वो 20 मिनट और 1.5 घंटा अभी अब नहीं आए हैं अभी तक। हाँ 9 बज गया, तो मैंने फोन किया था 7:30 बजे, 9 बज गया, बोला अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो नहीं आए हैं अभी तक। आज सबका ऐसा ही होता है कि इस चीज़ में झूठ बोलना ही पड़ता है, बाकी ऐसे कोई चीज़ में झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन चाचा बताए, हाँ इसके लिए तो हाँ मैं आ रहा हूँ, 20 मिनट बोलते हैं ना, तो बस 1 घंटा आप बताइए। लग गए हैं बच्चा खाने के लिए, हाँ इसको ध्यान देखिए, वही मैं दिखा रही थी, कहाँ ध्यान था तेरा, तो इतना क्यों देता है टीवी में इतना ध्यान है। मुझे थोड़ा सब्जी लेके आना। लेके आ रही हूँ मैं, लेके आ रही हूँ। पानी पहले पियो फिर खाना। मैं तो खाते टाइम में अगर मैं पानी पी लूँ ना एक गिलास, तो मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। ठीक है मैं ला देती हूँ, तेरे को सब्जी चाहिए, तेरे को पानी चाहिए। ठीक है। ये देखिए मम्मी और यश क्या फालतू काम में लगे हुए हैं, अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए। तो पहले जब स्कूल में था ना, तो ऐसे करते थे, 2 पेंसिल ऐसे लेके और 7 बार उसको ऐसे ऐसे करते थे, फिर उसको धीरे से जब उठाते थे तो उठ नहीं पाता था, कोई अब करके देख रहा था, फिर धीरे से उठाते थे, ऐसे करके उठा दे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, तू कर अभी देख। पहले करते थे, देख करके ऐसे नहीं उठो, ऊपर से ला आराम से, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे ना, ऐसे धीरे करके ना, ऐसे धीरे धीरे सुबह बोला हो, उठ नहीं पाता है ऐसे ऐसे, किस किस को कौन कौन क्या हुआ ऐसे। तो घर का बेल बज गया है, और अभी आए हैं शर्मा जी, 10:30 हो गया, बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, और अभी आए हैं। क्यों इतना लेट, लेट हो गया काम है। चलो 10 मिनट 20 मिनट आप बताइए, 10:30 हो गया घड़ी में, पूरा 10 बजे बोला तुमने, 10 मिनट सुना, 10 बजे नहीं बोले थे, 10 बजे बोला, 10 मिनट बोले, 10 मिनट बोले और 10 बजे बोले, कब से बोल रहे हैं ये बात। 10 मिनट बोले नहीं बोला। तो क्या कब क्या बोले थे, 10 बजे बोला। तो मेरे काम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है नहीं है। आप बताइए, मैं 7 बजे फोन करने लगी थी आपको, 7 नहीं 6 बजे, 7 बजे तो था मैं उधर, 6-7 बजे बच्चा जब बोला ब्रेड लेके आया, तो उस टाइम में बोला पापा आ जाते हैं, तब से अभी आ रहे हैं, अभी आ रहा हूँ, और 10:30 भी हो गया, 10 भी आने का ठीक टाइम है, ठीक टाइम आने का। नहीं नहीं आज ही आए, ऐसे तो नहीं आते हैं भाई, काम हो जाता है, कोई बात नहीं है, माफ किया जाए। मेरा भी काम करता है, मेरे को माफ नहीं करती है। तेरा मेरा काम, तेरे को क्या माफ करूंगी, तो इतना जब इतना बड़ा होगा ना तब करेंगे तेरे को भी, तब तो। ठीक है, अभी शर्मा जी आ गए, और अभी हम खाते हैं दोनों खाना, और बच्चे खाना खा चुके हैं, तो मैं बैठी हूँ अभी इंतजार में कि मैंने खाना नहीं खाया है, आप ऐसे मत सोचो खाया है नहीं खाया, तो अभी अभी कर देती हूँ ब्लॉग एंड। तो आप लोग डेली देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नए बने हैं तो सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम।